राफेल मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान चौकीदार चोर है को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर गाजियाबाद में आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आए हैं आप कलेक्ट्रेट में काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, आखिर क्या कारण रहा, किस वजह से आप लोग एकत्रित होकर आए हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करते हुए भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष मानसिंह गोस्वामी आप सबको ये अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल जी के द्वारा जो टिप्पणी चुनाव के दौरान माननीय देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कही गई थी उन पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जिस तरह के उनको एक जवाब दिया है उनको शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर कि किस तरह से एक बिना सोचे समझे देश की जनता जिस नेता को अपने हृदय में बसाए रखती है जो पूरी दुनिया के अंदर उनका एक ऐसा नेतृत्व है कि उनकी नेतृत्व का लोहा मानते हैं ऐसे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना यह हम सब के लिए बहुत ही कांग्रेस के लिए भी खेद का विषय है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए सार्वजनिक पूरे देश से और उनको लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए। हम सभी कार्यकर्ता गाजियाबाद जनपद के राहुल गांधी के लोकसभा से इस्तीफे की मांग करते हुए हमने ज्ञापन सौंपा है कि वो भविष्य में इस तरह की वारदात इस तरह की जो बातें और इस तरह की टिप्पणी करने से कम अपने को रोक पाए। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते उसके बाद क्या स्टेप रहेगा? जो भी शीर्ष नेतृत्व कहेगा उसको कदम बढ़ाकर आगे चलाएंगे।